हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इंजीनियर के साथ जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं, और हम इनके साथ एक पॉडकास्ट रख रहे हैं जिसमें ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ और हमें बताएंगे एक सिविल इंजीनियर का क्या क्या स्ट्रगल रहता है आफ्टर कॉलेज, और कैसे वो प्लेसमेंट लेता है या क्या क्या दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा सा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जितने भी हमारे सिविल इंजीनियर्स कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है उनको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो सर, तो आप अपना नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को, और आप कब के पास आउट हो, किस कॉलेज से आपने अपनी डिग्री पास आउट की या डिप्लोमा किया बीटेक, आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, मेरा नाम सुखवीर सिंह है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग एकेटीयू यूनिवर्सिटी आईटीएम कॉलेज से कम्प्लीट किया है 2021 में। तो आपने ग्रेजुएशन की है ना जी। ओके, तो 2021 के आप पास आउट हैं जी सर। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, आप 2021 में जब आपने डिग्री पास आउट की, और अभी 2022 भी ख़त्म हो चुका है, 2023 चल रहा है, तो आपने तब से अब तक क्या किया, और क्या आपने जॉब की, नहीं की तो क्यों नहीं की, क्या फिर आपने ट्राई किया था, ट्राई किया तो फेल हो गए या क्या हुआ, तो वो वाला एक्सपीरियंस आपसे। देखो, जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मुझे लगा अब क्या है, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अब मज़ा आएगा, लाइफ स्टार्ट होगी, मतलब जॉब करेंगे अच्छी कंपनियों में जाके, अब लाइफ का मज़ा लेंगे कैसे करके। बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने कंपनियों में जाना स्टार्ट किया, देखा एक दो जगह इंटरव्यू भी दिया और वहाँ पे गया तो ठीक है, इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ, लेकिन क्या है कि ये जो फिर मैंने इंटरव्यू तो हो गया मेरा, और सैलरी वैलरी की बात आई तो बहुत ही, मतलब पता है वो ये पूछते हैं कि मैं आपको कितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं सैलरी की, आप मतलब क्या कितना चाहते हैं कि आपको मिले, तो सबकी रहती है, एक इंजीनियरिंग करके जाता है ग्रेजुएशन करके अपना मतलब ग्रेजुएटेड बंदा है तो ओबियसली बात है कि ठीक है, सैलरी ठीक ठाक होगी। तो मैंने कहा हो 30-40 के बीच में होनी चाहिए मेरी सैलरी, तो उन्होंने कहा फिर अच्छा। तो जैसे इंटरव्यू पहले हो चुका था, उसके बाद फिर उसके बाद का डिस्कशन बता रहा हूँ मैं आपको, तो ओके अच्छा, तो आप बताइए कि मतलब मैं आपको इतनी सैलरी दूँ लेकिन आप मेरे लिए साइड पर जाके, अगर मैं साइड पर भेजूँ आपको तो क्या करेंगे आप, साइड पर जाके किस तरह से प्रोसेस करवाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू ने पूछा था जी जी जी, मतलब क्या पूछा कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको, आप बता रहे हैं मैं 30,000 रुपये सैलरी पे आपको रख लूँ, बट मेरे लिए आप क्या करेंगे साइड पे जाके, इससे पहले आपका है, आपको इससे पहले आपका इंटरव्यू हो चुका था जी, इंटरव्यू हो चुका था, मैंने जो अपना जो भी स्टडी किया उससे रिलेटिव था, उनका ज़्यादा हैबिट था नहीं, जैसे एज ए फ्रेशर जैसा इंटरव्यू होता है वो था मैंने, और मैंने अच्छे से क्वालिफाई भी किया, इम्प्रेस भी कर दिया। मतलब आपने इंटरव्यू पास आउट करने के बाद आपने सैलरी डिमांड 30,000 रखी थी एज ए फ्रेशर जी, बिल्कुल यार, तो आप थोड़ा सा बताइए। हम सोचते हैं ना कि हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और तो एक ना 4 साल स्टडी किया है, और फिर इंजीनियरिंग का अपना एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि छोटे छोटे वर्कर भी 20 से 25,000 रुपया सैलरी उठा रहे हैं, देख रहा है आपने, तो फिर मैं एक इंजीनियर होके ग्रेजुएट किया हुआ बंदा तो ना तो रख सकता हूँ ओबियसली, है ना। तो उन्होंने फिर मुझसे फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आप साइड पे मैं आपको भेजूं, आपको आप बताइए साइड की कुछ नॉलेज है, अगर मैं आपको भेजूं तो साइड पे तो आप क्या। तो उसने जो इंटरव्यू आपसे कंडक्ट कराया था, जो भी क्वेश्चन पूछे, क्या वो साइड से रिलेटेड नहीं थे, तो मतलब आपसे उसने पूछा कि आप साइड पर क्या करोगे, तो क्या फिर उसने वो ऐसा क्यों पूछा उसने, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो वो ले चुका था। उसने इसलिए पूछा कि जैसे कि जो भी उन्होंने अब तक का हमारा उनके बीच में डिस्कशन हुआ था, जो भी मतलब उनके क्वेश्चंस थे वो स्टडी से रिलेटेड थे, उन्हें पता है कि जो बच्चा आता है वहाँ से करके वो क्या क्या उनको जब वो करते हैं इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें सब पता होता है कि बच्चे किस तरह की नॉलेज होती है उसको, तो उसी से रिलेटेड थे, उसी से हुआ, तो मैं स्टडी करके गया था उसी से, उससे हट के साइड का प्रैक्टिकल नॉलेज के कोई क्वेश्चन नहीं थे उनके। फिर आदमी जब उसके नो बात आई कि तो सैलरी की जब बात आई फिर उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, क्योंकि मैं अगर आपको कोई आपसे इतने पैसे दूंगा तो काम भी तो लूँगा ना इसी टाइप का। बिल्कुल, फिर मुझे जब उन्होंने इससे क्वेश्चन किए कि आपको उसके साइड के बारे में कोई नॉलेज है, आप फ्रेशर हो, तो मैं कहा सीखेंगे, ऐसे तो है नहीं, जो भी है नॉलेज मैंने आपको बता दी, मेरे जो क्वेश्चन थे।
तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने सैलरी की डिमांड की कि 30,000 रुपये मैं सैलरी मैं लूँगा और 30 से 35,000 रुपये मैं सैलरी लूँगा, तो उसके बाद मतलब उसका क्या रिएक्शन था? क्या आपको फेल कर दिया गया या क्या आपको रख लिया गया? ऐसे शॉक्ड लगा जैसे कि मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी हो जैसे कि मतलब जो होनी नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन रखे थे मुझसे कि मतलब ऐसा बोल, मुझे लगा ही नहीं कि मतलब पता नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन हमें तो था ना, हमने इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं भैया और 4 साल इंजीनियरिंग की है तो उसी हिसाब की सैलरी हो जाए, हमने कॉन्फिडेंस था ना पूरा कि हम एक प्रोफेशनल वो हो गए हैं, इसलिए तो मैंने अपनी डिमांड रखी। उसके बाद नहीं देखिए पता है, बहुत बड़ा मार्केट में मिथ फैला हुआ है जी जी कि पता है क्या मिथ फैला हुआ है कि बच्चे समझ लेते हैं कि डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद लाइफ सेट है जी जी बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ऐसा उसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम जब बीटेक डिप्लोमा जब भी हम पास आउट करते हैं लाइफ स्टार्ट भी नहीं होती तब, उसके बाद हमारा स्ट्रगल शुरू होता है, लेकिन अपन समझ लेते हैं लाइफ सेट है बीटेक डिप्लोमा करने तो यही लगता है ना। और दुनिया देखी नहीं, हाँ हमारे पास भी बहुत सारे, अब डेली हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को तो आते हैं, एक्सपीरियंस भी आते हैं, फ्रेशर भी आते हैं और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी आते हैं। तो पता है बहुत से इंजीनियर्स ऐसे आते हैं मतलब अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क हाँ समझते हो, लेकिन वो यहाँ पर जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको पता चलता है कि वो 0 थे। और मैं 0 भी नहीं बोलूँगा, उनको गलत लगे, मतलब बहुत कम नॉलेज थी उनको। और यही रहता है हर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में परफेक्ट हो नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा मुकाम तो हासिल कर सकते हो अपनी नॉलेज के साथ। तो पता है जो कॉलेज से बच्चे पास आउट होते हैं वो ये समझते हैं कि मुझे पूरा नॉलेज है और मैंने बीटेक किया है और अब मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता है नहीं बस। तो उसकी वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। और जैसा कि मैं अपने बच्चों से यहाँ पर जितने भी आते हैं उनसे मैं बात करता हूँ तो बताते हैं, तो उसी चीज़ पे आप थोड़ा सा बताइए कि आपको भी ये लगा था कि मतलब जैसे आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सैलरी की डिमांड की 30,000 रुपये तो वो भी आपने ऐसा ही समझ के कर दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस था मुझे, मैं का इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है मैंने, तो इतने से ज़्यादा तो मैं कम करने वाला हूँ नहीं, तो 4 साल किया है, स्टडी किया है, मेहनत की है मैंने, लेकिन उन्होंने तो फिर मतलब नहीं हो पाया हम दोनों के बीच में कि मतलब सॉरी आप, मैं आपको इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने भी कोई सैलरी ऑफर दिया था क्या आपको? हाँ उन्होंने, जब जैसे ही मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई उनके लिए सैलरी के प्रति, तो जैसे वो शॉक्ड हुए ना मेरी सुन के, मैं भी शॉक्ड हो गया उनकी सुन के, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एज ए फ्रेशर हम 10 से 15,000 रुपये सैलरी इससे ज़्यादा किसी को देते नहीं है। मैं ना एकदम मेरे पैरों ने ज़मीन खिसक गई, मैं कहा ये क्या बोल रहे हैं, आजकल का जो हमारे यहाँ काम करता है ना बंदा, वो करने आता है 400 रुपये मिनिमम बंदा वो लेता है ना मिनिमम पर डे का साथ। और जैसे अगर आज तुम प्राइवेट वैसे नॉन टेक्निकल बंदे जो बिना पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनकी देखो, 30 मतलब 20-20 हज़ार रुपये सैलरी तो मिनिमम होती है आज के सर। तो मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने कहा सॉरी सर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अरे यार, तो उसके बाद क्या जर्नी रही? ये पहला इंटरव्यू था तुम्हारा? जी हाँ पहला पहला इंटरव्यू था। तो उसके बाद उसके बाद भी आपने और इंटरव्यू दिए थे जी, या उससे तुमने कुछ एनालाइज किया, कुछ सीखा, ये थोड़ा सा बताइए। मैंने इसी कंपनी से कुछ नहीं है, मैंने सोचा कहीं और ट्राई करते हैं, फिर एक दो जगह और ट्राई किया, वहीं सेम सिस्टम, फिर मैंने जो अपने जो सीनियर्स थे उनसे सेम था ये, जैसे ही वही इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो मेरी जिस तरह से होती है मैंने दर्दों से देख लिया था, जैसे कॉलेज में हमें बताया गया था जिस तरह से इंटरव्यू होता है क्या प्रोसेस रहता है, वो सब सही था अपना, ठीक ठाक था और हो जाता था, बात सैलरी पे आके वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। फिर मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया, लेना शुरू किया कि मतलब किस तरह से सर कैसे क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जब तक देखिए आप कोई भी किसी कंपनी से मतलब नहीं है, अगर हम अपने एज ए वैसी रियल लाइफ में बात करें तो अगर हम किसी को अपने अंदर काम के लिए हायर करेंगे तो उसको कुछ काम आना चाहिए जो हम उसके रखते हैं कि इसको ये बंदा, मैं इसको ये पैसे दूंगा तो ये काम करेगा बंदा, तभी तो हम उसको पैसे देंगे। लेकिन हमें अगर ये हमारा अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की साइड वगैरह की बात आती है तो हमें कुछ मतलब इससे रिलेटिव कुछ पता होता नहीं है दरअसल में, इसलिए कंपनियों का भी कुछ वो नहीं है इसमें, क्योंकि जब हमें कुछ आता ही नहीं है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, साइड पर जाके सीखेंगे तो सीखने के पैसे क्या देगी, है ना, तो इसलिए वो दे देंगे नहीं। तो फिर मैंने ऐसे एक बार नहीं कई जगह ऐसे कंपनियों में ट्राई किया, फिर मैंने फाइनली एक नॉन टेक्निकल जॉब की उस टाइम के लिए,
मतलब अभी आप में ये इतना मोटिवेट थे कि आप 30,000 रुपये की सैलरी उठाना चाहते थे, और उसके बाद आपने एक और इंटरव्यू दिया जी, एक दिया दो दिया, वहाँ पर भी आपने को सेम चीज़ लगी, वही सैलरी और वही काम। तो फिर आप ग्रेजुएट हो के और एक अच्छी सोच रखने के बावजूद आप नॉन टेक्निकल में क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पे नॉन टेक्निकल में मुझे सैलरी मिल रही थी जिस तरह से मैं चाहता था, लेकिन मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे अपना पैसन था मेरा कि मुझे इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, इसमें अपनी महारत हासिल करना है, जो भी मेरा जिस तरह से मैंने पहले करने से पहले जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मुझे यही करना है लाइफ में, मेरा ये पैसन है, मतलब मैं करना चाहता हूँ ये सब, तो इसलिए फिर मैंने किया। क्योंकि जब इंजीनियरिंग कम्प्लीट हो गई तो थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मुझे करनी पड़ी फर्निश के साथ साथ करता। फिर मैं ये सर्च करता रहा कि मैं मतलब आप अपने मुकाम तक कैसे पहुंचूं, क्या करूं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है। तो फिर मैंने ऐसे ही सर्च करना शुरू किया, देखा, तो फिर मैंने जाके एक ट्रेनिंग ज्वाइन की। बिल्कुल, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इन सब चीज़ों से कुछ एनालाइज किया, मतलब अभी आपने ट्रेनिंग की है तो ये नॉन टेक्निकल जॉब करने के बाद की है जी, ठीक है, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी आपने अपने फील्ड में जॉब की ही नहीं है, नहीं, अभी तक नहीं। और आप 2021 के पास आउट हो, ठीक है, तो अभी इन सब चीज़ों से आपने जितनी भी जगह इंटरव्यू दिया, फिर आपने नॉन टेक में भी जॉब किया, फिर आपने ये ट्रेनिंग की, आपने ट्रेनिंग का फिर भूत कहाँ से सवार हो गया? आई मीन टू से दैट कि ट्रेनिंग की सोच कहाँ से आई, मतलब अचानक से आप तो नॉन टेक्निकल फील्ड में चले गए थे, तो अपने फील्ड में आने का ये जोश कहाँ से जागृत हो गया दोबारा से? फील्ड में आने का जोश तो हमेशा से ही था, जॉब का नॉन टेक्निकल जॉब करने का पर्पज ये था कि फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी तो घर पे तो नहीं बैठ सकते ना, तो जब प्रॉब्लम है थोड़ी सी तो फिर मैंने सोचा, अगर ये हर जगह यही बात आती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और थोड़ी फिर नहीं है, तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया ऐसे ही जॉब के बारे में, पहले भी करता था लेकिन मैं पहले ये समझता था कि ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही चल रहा है सब प्रैक्टिकल नॉलेज वॉलेज की। फाइनली फिर एक दो लोगों से और जो मेरे साथ वाले लोगों ने किया तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ भाई, जब मुझे अपने फील्ड में जाना है तो मुझे भी करनी चाहिए, तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की तो मतलब आपने नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे थे आप, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में भी आप चले गए, तो आपने ट्रेनिंग फिर ज्वाइन की अपने फील्ड में आने के लिए, तो फ्रेशर्स भी मार्केट में जॉब कर रहे हैं, बहुत सी कंपनियां फ्रेशर्स को भी लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आपने एज अ फ्रेशर जॉब ज्वाइन क्यों नहीं की और आप ट्रेनिंग क्यों आवश्यकता पड़ी आपको ज्वाइन करने की? वही सैलरी वाली बात थी, टेक्निकल स्किल्स थे नहीं मेरे पास जो चाहिए कंपनी के लिए, तो उसी के मैं कहा मैं पहले से सीख ही आता हूँ इन सब चीज़ों को ताकि मुझे सैलरी भी ठीक ठाक करे और अपने फील्ड में ग्रोथ कर सकूँ जल्दी से जल्दी, इसलिए। बिल्कुल, तो जितने भी आपके सिविल इंजीनियर्स भाई हैं और जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको? हाँ ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमारे अंदर एक मतलब भ्रम सा रहता है कि हम जाएँ अब क्या है, हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, 4 साल अपने मेहनत की है, अच्छे से स्टडी की है और जाएंगे कंपनियों में इंटरव्यू देंगे और अच्छे से जॉब करेंगे जो हमें पहले से ही सोच रख, बट इससे ऐसा कुछ होता नहीं है, इससे जस्ट अपोजिट है। जैसा ना कि हमने दरअसल में हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट तो कर ली होती है, स्टडी तो कर ली होती है, बट जो हमें काम जो हम करना चाहते हैं इसका इससे सब जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि वहाँ जो काम आता है प्रैक्टिकल नॉलेज, ये तो नॉलेज वैसे स्टडी ठीक है हम करना चाहिए तो हमारा काम था कहिया हमने अच्छा, लेकिन हमें जॉब करने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है ना वो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये मतलब आपको ये सब स्किल्स आने चाहिए पहले, अगर अच्छी सैलरी उठानी है तो, आपको स्टार्टअप अपना अच्छा करना है तो। आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूँगा जो कि हमारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं, क्या आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करके कहीं भी किसी भी कंपनी में ये सारी नॉलेज आपने यहाँ पर ली है तो क्या किसी भी कंपनी में नहीं सीख सकते थे? हाँ बिल्कुल सीख सकते, आप कम पैसों में कर लो जॉब और किसी कंपनी में आप ये नहीं सीख सकते थे? हाँ सीखने को तो क्यों नहीं सीख सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा सीखने में, कोई चीज़ें आप करते करते सीखोगे उसमें कभी हो पा रही हैं कहीं नहीं हो पा रही हैं, एक साइड पे आप करेंगे काम तो कुछ काम हो रहे हैं साइड में, एक साथ
काम सारे हो नहीं जाएंगे ना आपको, लेकिन क्या वो धीरे धीरे साल भी लग साल दो चार तीन साल लगेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने में। अगर वही प्रैक्टिकली आपको अपने कोई कोर्स ज्वाइन किया वहाँ पर सारी जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें तुम्हें सिखाई जाएंगी एज ए प्रैक्टिकल जो साइड पर करोगे एक्यूरेट वही बिल्कुल साइड पर ही ले जाकर आपको बताया जाएगा, तो वो चीज़ें आप सीखेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा कि ये आप जल्द से जल्द एज ए फ्रेशर बेसिक कंपनी में लगेंगे बट आपको चीज़ें आती होंगी जल्द से जल्द आपको ग्रो करते चले जाएंगे आप उसमें। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि देखिए हम साइड पर भी सीख सकते हैं इन चीज़ों को लेकिन क्या होता है ना इन सब चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कोई भी सीनियर हमें सिखाने के लिए नहीं बैठा है साइड पर, ठीक है, और जो भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जैसे इनमें से एक हमारा है तो ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि एक ब्रॉड कोर्स कवर करा रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है ना, एक ब्रॉड कोर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए, तो उन चीज़ों को साइड पर सीखने का मतलब है 2 से 3 साल आपको देना पड़ेगा और आपका मेंटलिटी भी उसी लेवल का होना चाहिए सीखने वाला, अदरवाइज वहाँ पर भी नहीं सीख पाओगे आप। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप सीख लेते हो 2 से 3 महीने के अंदर, तो उससे क्या रहता है 2 से 3 महीने में जो आप 3 से 4 साल में नॉलेज लेना चाहते थे वो आप 2 से 3 महीने में ले लेते हो। अब उस नॉलेज के साथ अपने फील्ड में जब आप उतरोगे जब जॉब करने जाओगे तो आपकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है और आप कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, आप एक इज्जत के साथ जॉब करोगे, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, करियर में ग्रोथ जल्दी होगी, तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ अपने बस फ्रेंड्स को कहना चाहेंगे? बाकी का शेयर करेंगे, आगे मिलेंगे फिर से कभी, अपनी जो हमारा स्टाइल अब तक का रहा है वो शेयर कर दिया, आगे का क्या रहेगा कैसे करेंगे वो और भी आप शेयर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ऐसे ही हम प्रॉडकास्ट आगे लाते रहेंगे आपके लिए जिससे आपको अपने करियर में ग्रो करने में आसानी रहे और जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से आपको रूबरू कराते रहेंगे जिससे आपको सीख मिले कि एक इंजीनियर को कैसे चलना चाहिए, मतलब जो गलती उन्होंने की है वो आप ना करें। और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।